अक्षय कुमार को बॉलीवुड में लगभग 28 साल पूरे हो चुके हैं। इनकी पहली फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौगंध है। इस फिल्म के बाद से अब तक अक्षय कुमार 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। लेकिन इसी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली खूबसूरत अभिनेत्री शांति प्रिया को लोग अब भूल चुके हैं। शांति प्रिया साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हैं। इन्होंने साल 1987 में ही तमिल फिल्म इंगा उरु पट्टुकरण से अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर दी थी और साल 1991 में बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले वो लगभग 20 फिल्मों में काम कर चुकी थी। तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में अपने सफल करियर के बाद इन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई और अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया, लेकिन बॉलीवुड में बुरी तरह नाकाम रही और कुछ गिनी चुनी फिल्मों करने के बाद इनका बॉलीवुड करियर खत्म हो। साल 1987 से लेकर 1990 तक 20 फिल्में करने वाली अभिनेत्री का करियर 1994 में ही खत्म हो गया। साल 1991 में फिल्म सौगंध में काम करने के बाद इन्होंने 1994 तक सिर्फ एक तमिल और 7 हिंदी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। आखिरी बार इन्हें साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म हैमिल्टन पैलेस में एक छोटी सी भूमिका में देखा गया था। आपको बता दें कि शांति प्रिया साउथ की एक और मशहूर एक्ट्रेस भानु प्रिया की बहन है, जो साल 1983 से अब तक के अपने करियर में लगभग 155 फिल्मों में काम कर चुकी है। इतनी बड़ी अभिनेत्री की बहन होने के बाद भी शांति प्रिया को साउथ और बॉलीवुड किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। फिल्मी अड्डा से वैष्णो सोनी की रिपोर्ट।